वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज FM जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो जेपी पावर स्टॉक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जेपी पावर स्टॉक आज 6.85 पे ट्रेडिंग कर रहा है। तकरीबन 10% की गिरावट हो चुकी है और यानी कि 1.44% की गिरावट हो चुकी है अभी तक जेपी पावर स्टॉक के अंदर। तो जेपी पावर स्टॉक का यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 6.95 पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज ओपन हुआ था 6.95 पे, वही पे आप ओपन होके यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और लो बना चुका है 6.75 का। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन होके रेजिस्टेंस भी सेम लेवल पे लगा और वही से गिरावट देखने को मिली थी और लो बना चुका था 6.75 का, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपी पावर स्टॉक। तो मार्केट कैप भी देख सकते हो जेपी पावर स्टॉक की 4069,000 करोड़ की है, 4.69,000 करोड़ की, 16.65 का पी रेशियो भी है। तो पिछले 5 दिनों में आप देख सकते हैं 7 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रिजिशन लगा, वही से फिर से गिरावट देखने को मिले। 3.52% की गिरावट होते हुए नजर आ चुकी है जेपी पावर स्टॉक में लास्ट 5 डेज में। 1 मंथ में तो आप देख सकते हैं गेनिंग की थी अच्छी, पर यहाँ पे 7.5 लेवल जो है इंपॉर्टेंटली ब्रेकआउट नहीं दे रहा है यहाँ पे जेपी पावर स्टॉक, तो वो इससे आप देख सकते कि गिरावट देखने को मिली है फिर से। तो रिसेंटली जेपी पावर स्टॉक फिर भी 3% है लास्ट 1 मंथ के अंदर। तो जेपी पावर स्टॉक का चार्ट एनालिसिस की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर 7.40 लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगने के बाद गिरावट होती हुई नजर आई थी और रिसेंटली नीचे भी आता है तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.65 तक आने के चांसेस है और वही से फिर से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया था सेम लेवल पे और रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था पिछले 28 डेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेपी पावर स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जेपी पावर स्टॉक के लिए।